हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव पांडे और स्वागत है आपका मेरे एक और बिल्कुल नई वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी खास होने वाली है। यहाँ पर हम पढ़ाई की बात नहीं करने वाले हैं, पढ़ाई से ही थोड़ा सा रिलेटेड है। कुछ लाइफ लेसन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप ले सकते हो एक वेब सीरीज 1992 दी हर्षद मेहता स्कैम, जिसे सिर्फ हर्षद मेहता स्कैम ही नहीं पीवी नरसिम्हा राव स्कैम भी कहा गया था। और क्यों कहा गया था, उसके लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी, बट आपको जरूरत नहीं है। पूरी वेब सीरीज से जो आप लेसन सीख सकते हो वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और बात करेंगे उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस पूरी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वेब सीरीज़ का आपको सबसे पहला लेसन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन इसकी शुरुआत में ही मिल जाता है, और वो लेसन है रिस्क है तो इश्क है। जी हाँ, इसका ये मतलब है कि सबसे बड़ा रिस्क लाइफ में यही है कि आप रिस्क नहीं लेते। आप बिना रिस्क लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वो आपने सुना होगा ना, नाम बनते हैं रिस्क से। जी हाँ, मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप रिस्क लेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप में रिस्क लेने की क्वालिटी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कई बार आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा कहते हुए कि यार उस टाइम पर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी, अगर मैं ये चीज़ कर लेता तो ना जाने आज मैं कहाँ होता। मेरे पास उस टाइम पर ये मौका था, अगर मैंने उसे हाँ कह दिया होता, अगर मैं उस जॉब के लिए चला गया होता तो मैं आज न जाने कहाँ होता। जी हाँ, ये वो वही रिस्क हैं जिनके बारे में आप सुन रहे होते हैं। हमने काफ़ी बड़े बुजुर्गों से ये चीज़ें सुनी होंगी कि अगर उस टाइम पर ऐसा हो गया तो आज मैं यहाँ होता। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन गलती ये थी उनकी कि उस टाइम पर उन्होंने रिस्क नहीं लिया था। और यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, स्पेशली अगर आप यंग एज में हैं तो अभी तो आपके पास कुछ खोने के लिए है भी नहीं, ना आपको फैमिली पालनी है ना आपको अपने बच्चों की देखभाल करनी है। आप रिस्क भी ले सकते हो। आप अगर रिस्क लेंगे तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क आप पर पड़ेगा, और किसी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क कोई पड़ने वाला नहीं है। इसलिए रिस्क लेना सीखिए। बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग द रिस्क, यस एंड दिस इज ट्रू। नेक्स्ट जो चीज़ यार, दैट इज़ कि मार्केट कैन बी सैचुरेटेड नॉट द माइंड। किसी भी फील्ड में आप जाना चाहें, वहाँ का मार्केट जरूर सैचुरेटेड हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर ऑलरेडी हो सकते हैं। जैसे हम YouTube पे वीडियो बना रहे हैं, अभी YouTube पर ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं। ये सोचकर अगर आप वीडियो पर नहीं आने वाले हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि सैचुरेशन हो सकता है जरूर आ गया हो। आप किसी भी कैटेगरी में वीडियो बनाना चाह रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि अब यूट्यूब पर ही हम वीडियो बना रहे हैं तो ये क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं, और इसी डर से अगर आप वीडियो नहीं बनाने वाले हैं तो यार ये बिल्कुल बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। क्योंकि सैचुरेशन सिर्फ इस मार्केट में आया है, सैचुरेशन सिर्फ उस कैटेगरी में आया है जिसमें आप वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप कुछ क्रिएटिविटी दिखाकर कुछ अलग करके भी तो उसमें अपनी पहचान बना सकते। जिस दिन आपके माइंड में सैचुरेशन आ गया उस दिन आप फिर कुछ नया नहीं कर पाएंगे, कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। तो सैचुरेशन सिर्फ मार्केट में आया है, माइंड में नहीं आया। अपने माइंड में सैचुरेशन में आने दीजिए, नए नए आइडियाज़, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ लाइए और फील्ड में अपनी पहचान बनाइए जहाँ पर भी आप बनाना चाह रहे हैं। अगली जो चीज़ है, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसको सीखिए। लर्न द बिजनेस बिफोर एंटरिंग इन टू इट, जैसा कि हर्षद मेहता ने किया था। उस सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं तो मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब स्टॉक मार्केट में वो गया था, पहले एज ए जॉबर वहाँ पर जॉब की थी, उसके बाद मार्केट को समझा था, फिर उसके बाद बड़ी छलांग लगाई। जी हाँ, तो इसलिए आपको कोई भी काम करने से पहले उसे सीखना होगा। सोचिए क्या होता अगर हर्षद मेहता ने मार्केट को समझा नहीं होता, सीखा नहीं होता, वो गलती की थी उसने और 10 लाख रुपये अपने गंवाए थे। अगर आपने पूरी सीरीज देख ली है तो काफ़ी अच्छे से आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अगर गाड़ी चलाना चाहते हैं किसी, लेकिन बिना सीखे अगर आप जाते हैं, पूरे चांसेस है कि आपका कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए पहले खाली रोड में, अपनी गली में, वहाँ गाड़ी सीखी जाती है, उसके बाद आप हाईवे पर जाते हैं। तो बात करते हैं इसके बाद अगली चीज़ के बारे में, और वो अगली चीज़ क्या है कि वट एवर बी द सिचुएशन, आपके साथ आपकी फैमिली हमेशा रहेगी। आपने देखी होगी अगर ये सीरीज तो इसमें आपने देखा होगा किस तरह से सपोर्ट रहता है हर्षद मेहता को, उसकी पूरी फैमिली का, थ्रू आउट हिज जर्नी, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक पूरा सपोर्ट भाई का, एंड उससे पहले फादर का जब वो जिंदा है होते हैं, एंड वाइफ का, एंड पूरी जितनी भी फैमिली है सभी का सपोर्ट रहता है। और उस सपोर्ट के बल पर ही काफ़ी चीज़ें आप हैंडल कर पाते हैं। कोई भी अगर मुश्किल समय आपका आए तो उसको आप आसानी से डील कर सकते हो, अगर आपके पास एक सपोर्ट है, एक मेंटल सपोर्ट की आपको हमेशा ऐसे टाइम पर ज़रूरत पड़ती है। कोई भी बड़ा डिसीजन आप लेना चाहें, आपके पीछे अगर एक सपोर्ट है, एक हाथ है आपके पीछे, तो आपको वो डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो डिसीजन लेने से एक और हमें नई चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलती है कि आप अपने फेलियर्स से सीखिए। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सीरीज के बारे में बात करें तो वहाँ पर हमने कैसे ये चीज़ देखी, जब हर्षद मेहता और उसके भाई अश्विनी मेहता ने, तो उन्होंने जब 10 लाख रुपये हारे थे, अपने खो दिए थे स्टॉक्स में, तो उससे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा था कि कैसे हमें इस मार्केट से डील करना है, कैसे इसमें आगे बढ़ना है। तो अपनी मिस्टेक से सीखा था, उसके अलावा दूसरों के मिस्टेक से। जी हाँ, जो अपनी मिस्टेक से सीखते हैं वो तो इंटेलिजेंट होते ही हैं,
उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट वो है जो दूसरों के मिस्टेक से सीखे। दूसरा कोई मिस्टेक कर रहा है तो उस पर हंसने के बजाय आप सीखिए उस मिस्टेक से और अपने आप को बोलिए कि आपको ये मिस्टेक दोबारा नहीं करनी। ओके, सो अगली चीज़ जो है यार जो आप यहाँ से सीख सकते हो वो है, और ये इस सीरीज का एक डायलॉग भी है कि द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इज द ट्रस्ट एंड चीप पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। इसका ये मतलब है कि ट्रस्ट जो है ना वही सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है इस दुनिया में और चीप पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट, यानी हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो यार ये चीज़ कही भी जाती है कि किस कोई अगर आपको एक बार धोखा दे तो उस पर लानत है, और अगर वही आदमी आपको दो बार धोखा दे तो आप पर लानत है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मैंने एक बुक में पढ़ा हुआ है, अगर आपको कोई धोखा दे तो उसे माफ़ जरूर कर दें पर उसका नाम मत भूलें। तो इसलिए इस सीरीज में कहा गया कि द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इज ट्रस्ट, और ट्रस्ट बिल्ड करना वैसे भी काफ़ी मुश्किल आज के ज़माने में हो गया है। तो अगली जो चीज़ है यार यहाँ पर मैं आपको कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड फॉर इट। जी हाँ, बड़े सपने देखिए, इसको कोई पैसा नहीं लगता है। आप सपने जरूर बड़े देखिए लेकिन जो आपने सपना देखा है उस सपने के लिए जो आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है उतना हार्डवर्क भी आपको करना पड़ेगा। अगर उस लेवल का हार्डवर्क अगर आप नहीं कर रहे हैं जिस लेवल का आपने ड्रीम देखा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके फेलियर के। आपको अपने आप पे बिलीव रखना पड़ेगा, आपको ड्रीम देखने पड़ेंगे सबसे पहले। अगर आप सपने देख ही नहीं पाएंगे तो उन्हें पूरे कैसे करेंगे, और सपने उन सपनों को पूरा करने के लिए रात भर जाकर आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उसमें फेल हो जाएंगे। एंड एक और चीज़ है यार जो कि नेपोलियन हिल ने कही है अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में, द मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। इसका मतलब ये है कि वही आदमी जीतता है जो सोचता है कि वो जीत सकता है, और ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले आपको अपने आप पर बिलीव रखना पड़ेगा, आपको अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। तो जो अगली चीज़ है यार वो हमें सीखने को मिलती है हर्षद मेहता से ही नहीं, जो जर्नलिस्ट थी जिन्होंने उनका पर्दाफाश किया था, एक रात से मैं पर्दाफाश करने वाली हूँ, सुचिता दलाल, उनसे भी कि आप ऐसा काम कीजिए जो कि आपकी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, जिससे आप अपनी सोसाइटी को कुछ दे सकें। और ये चीज़ याद नहीं रखी जाती है कि आपने सोसाइटी से क्या लिया, ये चीज़ याद रखी जाती है कि आपने सोसाइटी को क्या दिया। सोसाइटी से अपने इस दुनिया से क्या ले सकते हैं उससे ज़्यादा आप फोकस कीजिए कि आप यहाँ पर अपनी सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। क्योंकि देखिए करोड़पति काफ़ी लोग हैं लेकिन हम याद किनको रखते हैं, जिन्होंने अपने पास करोड़ आने के बाद सोसाइटी के लिए कुछ किया, उसमें से कुछ सोसाइटी को दिया, जरूरतमंद लोगों को दिया, उन्हीं लोगों को हम याद रखते हैं। तो आई वुड लाइक टू से दैट डू एज मच एज यू कैन फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द मैनकाइंड। तो अगली चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ उससे काफ़ी लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, काफ़ी ज़्यादा आप किसी चीज़ को पाने के लिए काम करते हो लेकिन लास्ट में आपको चीज़ मिलती नहीं। इसके पीछे रीज़न कई बार ये होता है कि आपने जो मेहनत की होती है वो सही डायरेक्शन में नहीं की होती है। एक बड़ी जो चीज़ यहाँ से सीखने को मिलती है कि आप मेहनत कीजिए और बिल्कुल सही डायरेक्शन में कीजिए, ठीक है। जैसा कि हर्षद मेहता को पता था कि उसने किस डायरेक्शन में जाना है, किस चीज़ में उसको क्या करना है, कैसे उसने अपने आप को स्टॉक्स में बनाना है, कैसे अपने आप को मार्केट में बनाए रखना है, उसके लिए उसने मेहनत की। तो सही डायरेक्शन में आप मेहनत कीजिए, मेहनत आप जरूर, मेहनत तो उसके देखिए हर्षद मेहता जो था उसके आसपास और भी कई सारे जॉबर्स थे लेकिन वो जॉबर्स ने क्या किया, वो बस वही काम करते रहे। और जो मैंने सबसे पहली चीज़ बताई थी रिस्क, वो रिस्क उन्होंने नहीं लिया। और उसके अलावा मेहनत तो उन्होंने की लेकिन बस उसी लिमिट तक मेहनत की, और मिला भी उनको उसी लिमिट तक। लेकिन हर्षद मेहता ने जो मेहनत की थी, और उसके अलावा सुचेता दलाल जो कि जर्नलिस्ट थी उन्होंने भी जो मेहनत की थी वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में की थी, और इसीलिए दोनों को जो चाहिए था वो मिला। इसके अलावा शिवखेड़ा भी कहते हैं कि सिर्फ रफ्तार और काम करने को अगर हम कामयाबी समझ बैठे तो हमारी गाड़ी तो बहुत अच्छी चलेगी लेकिन हम कहीं पहुँचेंगे नहीं। बहुत गहरी बात है, इसको समझिए और अपने जीवन पर लागू कीजिए। अगली जो चीज़ें जो आप समझ सकते हो इस वेब सीरीज से वो ये है, और ये बहुत ही फेमस डायलॉग भी है इस सीरीज का, कि जेब में मनी हो तो कुंडली में शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि हमारे नसीब में ये चीज़ नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है, हमारी कुंडली में नहीं है, हमारी कुंडली में ये दोष है, अगर हमें ये चीज़ नहीं मिल सकती। इन कई चीज़ों से हम अपने आप को उस फील्ड में ले जाने से ही डरते हैं, उस काम को करने से ही डरते हैं जो कि हमें पहले से ही बताया होता है कि आप नहीं कर सकते। और ये चीज़
इसमें बिल्कुल अच्छे से दिखाई गई है कि अगर आप सही डिसीजन लेते हैं, मनी वाली सिर्फ बात नहीं है, अगर आप सही डिसीजन लेते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, तो कुंडली में शनि आपका बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसलिए सिर्फ अपने लक पर फोकस मत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। और ये चीज़ कही भी जाती है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, यानी कि आपके पास टैलेंट है और आप उस टैलेंट को लेकर उसको और ज़्यादा निखारे नहीं, उसको लेकर आप अगर हार्ड वर्क ना करें, तो जो बंदा हार्ड वर्क कर रहा है वो आपको बीट कर देगा। तो सिर्फ टैलेंट होने से आप जीत नहीं सकते हो, उस टैलेंट को आपको निखारते रहना पड़ेगा, उसको लेकर आपको हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा, तभी आप एक दिन ज़रूर जीतेंगे। अदरवाइज जो आदमी हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा टैलेंट उसके पास नहीं आपके बराबर, लेकिन ज़्यादा मेहनत कर रहा है, सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है, सो ही विल डेफिनेटली विन। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, 10 टॉपिक्स हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। अगली जो चीज़ है, दिस इज़ अ बोनस टिप, और ये चीज़ आपकी लाइफ टाइम काम आएगी, और ये चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। जो अगर आपको अचीव करनी है काफ़ी चीज़ें, सो काफ़ी हद तक आपको कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगी, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बेटर बनाते रहनी पड़ेंगी। अगर आपने सीरीज़ देखी हुई है ना 1992, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा किस तरह से अपने डील्स को कन्फर्म करने के लिए किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है, किस तरह से हर्षद मेहता ने सारे CEO से, सारे जितने भी बैंक्स थे उनके हेड से किस तरह से बात की थी, सारे चेयरपर्सन से किस तरह से बात की थी। सो लोगों से कैसे डील करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये स्किल्स अगर आप में हैं तो काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ सकते हैं। हर एक फील्ड में ये चीज़ आपको चाहिए होती है, कम्युनिकेशन स्किल। आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ, मोस्टली आपको हर एक फील्ड में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हैं तो आप काफ़ी अच्छा उसमें कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आप सेल्स में हो, अगर आप किसी से डील करना चाहते हैं, आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हर एक चीज़ में आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करती रहनी होंगी, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना होगा, उसी से आप काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ओके, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं यार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी कुछ सीखने को हमें सीरीज से मिल सकता है, और थोड़ा सा लेट भी ये वीडियो है, बट इट्स ओके, क्योंकि कुछ हफ्ते में यहाँ पर लेट हो गया हूँ इस वीडियो को बनाने में। ये सब कुछ मैंने नोट पॉइंट्स पहले ही नोट कर लिए थे, और सीरीज देखने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगा था, हफ्ता भर करीब मुझे लगा होगा। फिर उसके बाद मैंने सारे पॉइंट्स नोट किए, एंड देन मुझे लगा कि यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आई शुड शेयर देम विद ऑल ऑफ यू, सो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और काफ़ी टाइम मुझे इस वीडियो को बनाने में लग गया। ओके, तो यार थोड़ा सा लेट हम जरूर हैं, लेकिन ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं आपको लाइफ टाइम काम आएंगे, इसलिए कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो ये आपके लिए पुरानी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप जब तक यहाँ पर हैं आपके लाइफ टाइम ये चीज़ें काम आएंगी। सो दीज आर सम लाइफ लेसन्स जो हम ले सकते हैं दी हर्षद मेहता स्कैम से, 1992 स्कैम से, और वेब सीरीज देखिए यार, बहुत ही अच्छी है, ऐसी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, टाइम निकालिए और देखिए उसको। बट जो भी चीज़ें आप सीख सकते हैं वो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबा दोगे तो आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू गाइस वेरी बेस्ट ऑफ लक, अप्लाई कीजिए इन सारे लेसन्स को अपनी लाइफ में, एंड बेटर बनाइए अपनी लाइफ को। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए, और उसके अलावा अगर आप IIT जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। फिजिक्स आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को विजिट कीजिए, और ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इस चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। दो दिन की जिंदगी है।